कानपुर में ITMS के अंतर्गत ट्रैफिक को संचालित किया जा रहा है। इंदौर के बाद अब संचालित करने का काम शुरू किया जा रहा है। अभी दो प्रमुख चौराहे पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। हर चौराहों पर कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है। जल्द ही 148 चौराहों पर भी इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। कानपुर महानगर को स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद अब सभी चौराहों पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी कानपुर के दो प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं। जल्द ही कानपुर के सभी चौराहों पर कैमरे लगा दिए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करना काफी आसान हो जाए। SSP अनंत देव तिवारी का कहना है कि रेड लाइट क्रॉस करने वालों के साथ साथ ओवर स्पीड से चलने वाले लोगों को ऑनलाइन चालान किया जा रहा है। SSP का कहना है कि अभी दो चौराहों पर कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है, जल्दी सभी चौराहों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन और ओवर स्पीड, ये दो दिनों पर विशेष करके जो लोग कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक चालान हो जा रहा है और नंबर के माध्यम से डिटेक्ट करके संबंधित के पते पर जो भी उसका चालान है वो वहाँ पर सर्विस करके उनसे पूछा जा रहा है। ये सिस्टम अभी दो चौराहों में चल रहा था, फिर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अन्य पांच चौराहों को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। आगे उम्मीद है कि पहले फेज पर करीब 25 चौराहों को लिया जाएगा और फिर 148 कुल चौराहे जो जनपद में चिन्हित किए गए हैं, सिटी में चिन्हित किए गए हैं, वहां पर दो सिस्टम प्रैक्टिकली ऑपरेट होंगे। एक तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और दूसरे सर्विलेंस करके और सस्पेक्ट पर जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो संदिग्ध अपराधी हैं और जो संदिग्ध वाहन हैं, उन दोनों पर ही निगरानी रखी जाएगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। निकट भविष्य में बहुत जल्दी इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके और इनको जमीन पर लाया जाएगा। धन्यवाद।